हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कौशल एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, जैसे हम देख पा रहे हो आपके सामने गाइस अभी है FSTT सिस्टम का ट्रांसमीटर रिसीवर जो कि आता है फ्लैश टेक तरफ से। यानी गाइस इसे मैंने अमेज़न से परचेज किया है जो कि काफ़ी अच्छे बजट में आता है। यानी गाइस इसी का एक और भी मॉडल आता है जो कि है फ्लाई स्काई का i6 ट्रांसमीटर रिसीवर। यानी गाइस इसको डायरेक्ट उसके रिमोट से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसे प्रोग्राम करने के लिए आपको एक कंप्यूटर की या फिर PC की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर PC या फिर लैपटॉप से इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी गाइस अभी हमने आपके सामने ये ट्रांसमीटर ला दिया है, अब मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। यानी इस वीडियो में यानी गाइस हम इसको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। जल्दी जल्दी वीडियो आएगा इसमें गाइस हम इसको बाइंड करेंगे और उसको प्रोग्राम करेंगे। और यानी गाइस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ड्रोन रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे जिस पर हम ड्रोन बनाएंगे। चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अभी मैं इसको इसके ऊपर वाले इसको खोल लेता हूँ। जैसे गाइस हम इसको खोलते हैं, आप देख सकते हो तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो तो पैकिंग इसकी होती है। यहाँ पे जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इसका एक यूज़र मैनुअल रखा हुआ है। इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। फिर इसको जैसे हम बाहर निकालते हैं देखते हैं फिर इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं इसको इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ गाइस। इस बॉक्स को गाइस मैंने साइड में रख दिया, मैं इसको सीधा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यार देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से अभी इसमें पूरा पैक होकर आता है। जैसे गाइस हम इसको भी हटाते हैं यहाँ से, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर इसका प्रोग्रामिंग CD है। इसको भी जल्दी गाइस हम साइड में रख देते हैं। तो गाइस फिर इसके बाद यार देख सकते हो गाइस ये है हमारा मेन यानी हमारा ट्रांसमीटर। अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। फिर देख सकते हो गाइस ये है अपना ट्रांसमीटर। फिर इसके बाद जल्दी गाइस देख सकते हो गाइस इसके ऊपर भी है यहाँ पे गाइस ये अपना इसका रिसीवर जो कि FS का एक मॉडल है। ये भी अपना रिसीवर है जो कि इसके साथ बाइंड होता है। और जल्दी गाइस इसी में ही इसका बाइंड की भी है। और गाइस इस सभी को हम रख देते हैं यहाँ पे नीचे और इस बॉक्स को जल्दी गाइस हम साइड में रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जल्दी गाइस हमारे सामने ये है। और जो गाइस एक चीज़ और भी गया था मैंने आपको दिखाया है गाइस, ये इसको गाइस ये है इसका प्रोग्रामिंग टेबल जो गाइस इसके पीछे लगेगा और गाइस इस पर कनेक्ट होगा। तो गाइस इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ CD। जैसे तो गाइस ये कुछ इस तरीके का CD है जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके जल्दी गाइस इससे हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से जल्दी गाइस हम अपने इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने वाले हैं। या जैसे तो गाइस इसके पीछे यहाँ पर गाइस एक केबल लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया जहाँ जल्दी कंप्यूटर गाइस प्रोग्राम होगा। जल्दी गाइस इसको हम साइड में रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना CD है जिसे हम इसको प्रोग्राम करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है जिसमें जल्दी गाइस यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जल्दी गाइस इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी गाइस इसको मैंने भी पढ़ा, यानी मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसमें ये देखा गाइस इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें बताया गया है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर आपको इसको यूज़ करना है कहाँ पर नहीं करना है। जल्दी गाइस ये एक ड्रोन पार्ट है जिसको अगर हम ड्रोन बनाते हैं जल्दी गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा भी होता है। एज यू नो गाइस कि ड्रोन में बहुत हाई आरपीएम का मोड लगा होता है जिसके दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पे डेथ भी हो सकती है इस वजह से। इसलिए गाइस यहाँ पे बहुत मेन टॉपिक से लिए गाइस यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल दिया गया होता है। सो गाइस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आप चाहें पढ़ें चाहे ना पढ़ें आपकी मर्जी। तो गाइस ये है अपना यूज़र मैनुअल, अभी इसको साइड में रखते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये है अपना ट्रांसमीटर। और जैसे गाइस हम इसको खोलते हैं जैसे तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है या देख सकते हो गाइस ये है अपना ट्रांसमीटर। या देख सकते हो यानी 6 चैनल रेटेड ट्रांसमीटर है। या देख सकते हो यहाँ पर 6 चैनल दिए गए हैं। यहाँ पे ये इसका एंटीना है जिससे कनेक्ट होगा। और फिर उसके बाद जल्दी गाइस ये है इसका बाइंड की। या देख सकते हो गाइस ये है इसका बाइंड की। इसको जल्दी गाइस हम इसी में यहाँ पे लगा के जल्दी गाइस हम इसको ट्रांसमीटर से बाइंड करते हैं। कुछ इस तरीके से जल्दी गाइस हम यहाँ पे इसको लगा के जल्दी गाइस इसको इसके 2 वायर्स को जल्दी गाइस हम शॉर्ट कराते हैं। तो जल्दी गाइस ट्रांसमीटर में एक स्विच होता है जिसको हम ऑन करते हैं तो गाइस ये अपना ट्रांसमीटर से बाइंड होता है। तो गाइस ये था अपना रिसीवर, अब हम इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद जल्दी गाइस यहाँ हमको मिल जाता है ये आप देख सकते हो इसका प्रोग्रामिंग की। इसको जल्दी गाइस मैं जैसे यहाँ पे ओपन करता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ या देख सकते हो गाइस ये है इसका प्रोग्रामिंग केबल। या देख सकते हो इसको हमको PC में लगाना होता है। यहाँ पे एक रेड कलर की LED ब्लिंक करती है ये, यहाँ पे इसके पीछे कुछ इस तरीके से होता है यानी हमारे ट्रांसमीटर के पीछे लगता है। या देख सकते हो यहाँ पे जल्दी ये लगता है, यहाँ पे जल्दी गाइस अब इसको लगा दोगे तो गाइस ये है जल्दी अपना प्रोग्रामिंग केबल। इसको भी जल्दी गाइस मैं साइड में रखता हूँ। तो गाइस अब आता है जल्दी यहाँ पे अपना ये ट्रांसमीटर। तो गाइस आप देख सकते हो अपना ट्रांसमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे मैं आपको सभी इसकी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। या देख सकते गाइस यहाँ पे सबसे पहला इसका ये लाभ स्विच है जिससे हेल्प जल्दी आएगा जिससे ड्रोन को अप एंड डाउन करते हैं। इसका जल्दी गाइस ये लेफ्ट राइट है। इसका जल्दी गाइस यहाँ पे भी एक स्विच है इसमें गाइस टोटल 8 स्विचेस हैं। इस तरीके से आप जल्दी 8 स्विचेस से अपने ड्रोन को कंट्रोल करोगे। इसका जल्दी गाइस ये देखिए तो गाइस इससे आप जल्दी अगर आपको गिम्बल्स को कनेक्ट करना हो तो जल्दी गाइस इसका यूज़ कर सकते हो। जल्दी गाइस ये स्विच है, ये जल्दी गाइस इसका स्विच है जिसकी हेल्प से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ जल्दी गाइस आप देखते हो थ्रॉटल है जिसकी हेल्प से जल्दी इसको सेट करोगे फिर इसको कितनी तेजी से मोटर किस तरीके से रोटेट करना। फिर उसके बाद जल्दी गाइस आप देखते हो ये स्विच है जिससे गाइस ये ऑन ऑफ होता है। फिर जल्दी आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये बाइंड स्विच है। यहाँ पर जल्दी आपको दिखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंड रेंज। जल्दी गाइस इस बटन का जैसे क्लिक करते हो जल्दी गाइस ये अपने रिसीवर से बाइंड होता है। ये है गाइस अपना
ट्रांसमीटर। अभी हम यहाँ पे देखिए कि काउंटर देखो गाइस, इसका एंटीना है किसी तरीके से। अभी गाइस अगर हम इससे पीछे बात करें तो गाइस यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग केबल लगने वाला है, और फिर जैसे गाइस हम खोलते हैं आप देखिए तो गाइस यहाँ पे टोटल एक बैटरीज कनेक्ट होती हैं। आप चाहो तो यहाँ पर टोटल एक बैटरीज लगा सकते हैं, यहाँ पे आप चार्जिंग सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग बैटरीज आती है गाइस की, अब उन बैटरीज को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इन बैटरीज को गाइस आप अंदर इंस्टॉल करके गाइस यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे चार्जिंग पिन दिया गया है, इसके बाद गाइस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस आप चाहो तो गाइस आप इसको डायरेक्ट अडैप्टर से भी यूज़ कर सकते हैं। अडैप्टर से यूज़ करोगे तो इसको कहीं भी आसानी से फ्री लेकर नहीं जा पाओगे। रेट सर गाइस मैं आपको बेस्ट रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पर चार्जिंग सेल्स का यूज़ करेंगे। सो गाइस ये है पूरा इसका स्पेसिफिकेशन जैसा मैंने आपको बता दिया। सो गाइस आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, इसके बाद गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें गाइस मैं आपको इस रिसीवर से जल्दी इस ट्रांसमीटर को बाइंड करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।